तो दोस्तों आज 24 अप्रैल 2021 शनिवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किए गए बीएपी कोर्स को नहीं मानकर पीटीआई भर्ती 2018 में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक गोड़ की बेंच ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस कर जारी कर जवाब तलब किया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से इस वर्ष भी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के समय से नहीं होने के कारण लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में। आपको बता दें पीटीटी, बीएसटीसी, एमएड शिक्षा शास्त्री और बीपीएड आदि प्रवेश परीक्षाएं हैं जो कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण अभी तक आयोजित नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें प्रदेश के 25 लाख युवा इस को लेकर कश्मकश में है कि इस साल भी बीएड और बीएसटीसी कॉलेज का सत्र बेपटर रहा था। इसे देखते हुए 5.5 लाख से अधिक पीटीटी के आवेदक इस बात को लेकर इंतजार में कि आखिर पीटीटी परीक्षा होगी भी या नहीं होगी। आपको बता दें डीएलएड परीक्षा का भी सत्र 12वीं परीक्षा के परिणाम के कारण बिगड़ चुका है। आखिर बीएसटीसी का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसको लेकर भी प्रदेश भर के लाखों परीक्षार्थी अभी भी इंतजार में हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने मांग की है कि वर्तमान में कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में तत्काल प्रभाव से ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जाए। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन भी भेजा गया है। 1 मई से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के वैक्सीनेशन शुरू होंगे, लेकिन राज्य सरकार का अभी तक इसके लिए कोई भी रोड मैप सामने नहीं आया। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस बारे में निर्णय आने की संभावना थी, लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना आने के बाद अब कोई निर्णय की नई उम्मीद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शुरू की गई एकल द्विपुत्री योग्यता प्रोत्साहन योजना की राज्य एवं जिलावार कट ऑफ जारी कर दी गई है। आपको बता दें बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2020 की राज्य एवं जिला स्तरीय कट ऑफ में आने वाली बेटियां 14 मई तक आवेदन कर नगद प्रोत्साहन प्राप्त कर पाएंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से भले ही राज्य सरकार ने गुरुवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू कर दिया, लेकिन शहर के अधिकतर सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों ने अभी समर वैकेशन की छुट्टियां शुरू नहीं की है। गत सप्ताह 2021 के युवा वर्ग की स्नातक और कोच सीमा को मैसाचुसेट्स प्रांत के हॉर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज द्वारा छात्रवृत्ति की पेशकश की गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें सीमा को अशोक विश्वविद्यालय, मिडिलबरी कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज ने भी स्वीकार किया है। रेल कर्मियों को राहत मैनुअल पास की सुविधा अब 31 मई तक वैध। आपको बता दें ई टिकट बुक करना भी हुआ आसान। इसी के साथ गत वर्ष शुरू हुआ था HRMS, इसके संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में 6 जून तक ग्रीष्मावकाश जारी कर दिया है। वहीं कोविड 19 की पालना में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें नियम अनुसार उपार्जित अवकाश का भी लाभ मिलेगा, लेकिन नवनियुक्तों पर प्रोबेशन काल में चल रहे शिक्षक इस लाभ से वंचित रहेंगे। कोरोना संक्रमण ने प्रदेश के शैक्षिक सत्र पर काफ़ी व्यापक असर किया। लगातार 2 वर्षों से परीक्षाओं के निरस्त और स्थगित होने के बाद अब नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को भी कोविड के असर से अछूती नहीं रही। आपको बता दें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से आने वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए भी पूर्व में निर्धारित की गई समय सारणी में अब संशोधन करना पड़ा है। जालौर में चल रही सेना भर्ती के लिए 25 अप्रैल को जोधपुर कोटा में होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी का ख्वाब संजो रहे युवकों के लिए अच्छी खबर। आपको बता दें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। योग्य आवेदक सेल की आधिकारिक वेबसाइट www.selcareers.com पर 7 मई से 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें ITBP में भी 88 पदों के लिए भर्ती निकली। इसी के साथ CBSE ने भी अपना नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नया परीक्षा पैटर्न भी जारी कर दिया। इस संबंध में नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज 24 अप्रैल 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बन रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि BSTC, PTT, रेट, पुलिस, पटवारी, स्कूल, कॉलेज से जुड़ी आपकी कोई समस्या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।